सुबह सुबह फ्री में मेरा इतना ज़्यादा वर्कआउट हो चुका है। फिलहाल भटकते भटकते पहुँच चुके हैं हम, आई मीन पहुँचने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज डेट है 1 नवंबर, फिलहाल बजे हैं 5:25। सुबह उठ चुकी हूँ एंड फ्रेश हो चुकी हूँ, हाथ मुँह धो लिया है। फिलहाल हम करेंगे योगा, आई मीन मैं इतनी जल्दी उठी हूँ सिर्फ योगा के लिए। सो फिलहाल करते हैं योगा। वीडियो साफ नहीं आती इसलिए मैंने सुबह व्लॉग नहीं शूट किया था, आई मीन योगा की जो वीडियो थी वो नहीं बनाया था। सो मेरी हालत देख के आप समझ सकते हो कि मैंने 1 घंटा कंटिन्यू वर्कआउट किया। सो फिलहाल लगते हैं घर के काम में, आई मीन सफाई में। सो सफाई अभियान मैंने जारी कर लिया है। सो पहले रूम की सफाई, उसके बाद किचन की सफाई। रोटी बना रही हूँ। सफाई अभियान मेरा जारी ही था कि मुझे एक अभियान और चलाना पड़ा, वो है कि रोटी बनाने का। सो चलो बनाते हैं रोटी। तैयार हो चुकी हूँ क्लास के लिए, चलते हैं क्लास की तरफ। कल नाना जी आए थे मेरे साथ मुझे रास्ता बताने के लिए, आज मैं खुद से जाऊँगी अकेले, क्योंकि पहले मैं दीदी वहाँ से आती थी, वहाँ से अलग था, यहाँ अलग है। सो एक दिन बताने के लिए आए थे, आज अभी फिलहाल जा रही थी बस। मेरी आज की पेंटिंग बट ये कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे कुछ टाइम लगेगा, 2-3 दिन अच्छे से बनाने में। सो मैं भी फर्स्ट दिन है मेरा ऑयल पेंटिंग सीखने का, कुछ इतना बनाया है। और ये है सरकारों, बहुत सारे पेंटिंग बनाए सर, जिसमें स्केच है एंड ऑयल पेंटिंग तो कुछ होंगे जाहिर है, और ये वॉल पेंटिंग गणेश की। फिलहाल चलते हैं घर को। चल दिए हम घर को। पहले मैंने जो स्केच सीखा था वो सर से सीखा था, इस बार मैं आई हूँ ऑयल पेंटिंग सीखने के लिए। टफ है बट इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। एंड फर्स्ट पेंटिंग आज लॉर्ड कृष्णा की मैं बना रही थी, कुछ थोड़ा बहुत बनाया। फिलहाल घर को जा रही हूँ, 3 ऑटो मेरे को चेंज करने पड़ते हैं एंड घर जाके खाना खा के फिर घूमने जाना है आज, क्योंकि कृष्णा का आज कॉलेज था नहीं तो वो घरीब है, उसके बाद हम घूमने जाएंगे। सो घर जाके मिलते हैं। पहुँच चुकी हूँ मैं घर, और अभी रास्ते में गाड़ी में ऑटो में तक खतरनाक पंगा हुआ एक औरत और ऑटो वाले के बीच में। ऑटो वाला 15 रुपये मांग रहा था, बोले हम रोज के हैं यहाँ पे 10 रुपये देते हैं ये वो। वो ऑटो वाले ने उनके 10 रुपये ऐसे फेंके बाहर, नहीं चाहिए 15 रुपये लाओ। वो बोली औरत बोली थी क्या, उन्होंने हाँ रुको फोन करते हैं, हमें नहीं समझाया लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं ऐसे, उठाओ उसे अपने बच्ची को भी उठाएंगे पैसे। और अंदर से बोले बाहर आओ खुद उठाओ पैसे, मैं दूंगी 15 रुपये पहले ऐसे उठाओ। फिर अंकल ने मुझे भेजा बाहर, मुझे बोला उठा, मैंने उठाया फिर दिए। फिर थोड़ा देर और बहस हुई दोनों के बीच में, ऑटो वाले बोले आज के बाद मत बैठना मेरे ऑटो में। खतरनाक पंगा हुआ कुल मिला के। फिलहाल पहुँच चुकी हूँ मैं घर। घर पहुंच के खाना भी खा लिया और बर्तन भी साफ हो चुके हैं। फिलहाल बजे हैं 12:10, तो अभी जा रहे हैं हम घूमने, आई मीन घूमने कह सकते हैं, मुझे घूमने जाना है, कन्हैया का काम है। सो वो जा रहा है काम से, मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। चलो जा रहे हैं हम जिम में। जिम, हम फिलहाल जिम देख के आए हैं, कल से हम जाएंगे जिम। और अभी हम कर रहे हैं ऑटो का वेट, फिर जाएंगे घूमने के लिए। मार्केट पहुंच चुके हैं, लेकिन जाना कहाँ है वो सिर्फ इसी पर है। हमें जाना था तिकोने, लेकिन हम उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। और ये लगा था फ़ोन में गूगल मैप में रास्ता खोजने के लिए, और मुझे तो खैर पता था ही नहीं, लेकिन अब हम वापस तिकोनिया की तरफ जा रहे हैं। और लगता है फ़ोन पे बैंक ऑफ बड़ौदा हम पहुंच चुके हैं, लेकिन तिकोनिया में जो टैटू बनाने वाले हैं वहां तक खोजबीन जारी है। मतलब हम घर से यहां तक सिर्फ टैटू बनाने के लिए आए हैं, वो भी पूछने के लिए कि कितने में बनेगा टैटू, सिर्फ प्राइस पूछने के लिए। इतना लंबा सफ़र तय किया हमने, और वो भी अभी मिला नहीं है, कॉल कर रहा है, फिर पता चलेगा कहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जाना है?
देवल चौड़ घूमने नहीं जा रहा है क्या? चलते हैं कहीं घूमने के नाम पे धोखा दिया गया। फिलहाल हम जा रहे हैं पिज्जा खाने। बड़ी मुश्किल से हमें टुक टुक मिली टुक टुक। फिलहाल पहुंच चुके हैं घर और बहुत 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 ज़्यादा थक चुके हैं। सभी फिलहाल रेस्ट करते हैं, फिर शाम के टाइम देखते हैं क्या होगा। गुड नाइट। तो अभी सो के उठ रही हूँ, उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग की। जो घर से हल्द्वानी तक का मेरा सफ़र था वो आज तय किया, आई मीन एडिटिंग आज की है। सो अपलोड कर दूँगी मैं थोड़ी देर में। फिलहाल बजे है 5:06, कृष्ण तो गया है जिम जो सुबह हम देखने गए थे। सो वो एक दो दिन जाएगा, अगर उससे अच्छा लगे तो वहाँ पे करेगा, वरना नहीं जाएगा। और मेरी फीलिंग बड़ी गंदी गंदी वाली हो रही है, क्योंकि जो कराटे था वो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, जहाँ मैं क्लास जाती थी वहाँ जाना इम्पॉसिबल है। और कोई और गेम या फिर कराटे ही जाना मुझे अलाउड नहीं है। फीलिंग वेरी सैड। और आसपास कुछ है भी नहीं, बस जिम 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 है। जिम जाके मैं तो क्या ही करूँगी, क्योंकि मैं तो पहले से ही फिट हूँ। बट मुझे कराटे जाना था या फिर कोई गेम लाइक बैडमिंटन बेस्ट है, तो अगर वो होता तो वहाँ पे जाती, बट वो भी यहाँ पे नहीं है। ना कराटे है ना ताइक्वांडो है, कुछ भी नहीं है। सो मैं घर पे बैठी हूँ, बस बोर हो रही हूँ। जाने लगी फिलहाल क्लास को। आज सुबह उठी सो मैंने वर्कआउट नहीं किया, आई मीन जो योगा कल किया था वो आज नहीं किया। स्केच बनाया बट ठीक ठाक बना, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। बाकी योगा नहीं किया क्योंकि मेरे पीठ में इतनी भयंकर की चोट लगी है कल सुबह, हालत ख़राब है, चला भी नहीं जा रहा, गुड़ियों की तरह चल रही हूँ, मतलब बहुत गंदा पेन हो रहा है, बहुत गंदा। सो फिलहाल ऑटो मिल चुकी है, सो चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास पहुंच चुकी हूँ और जो कल के लॉर्ड कृष्ण थे उसी को कंप्लीट करना है। और आज मैं स्टैंड भी लेके आई हूँ, सो वीडियो भी शूट करूँगी और बनाते भी रहूँगी। गोभी की सब्जी बनानी है एंड अभी बजे हैं 4, क्योंकि अभी हमें जाना है कुछ काम से मार्केट, तो इसलिए जो शाम का काम था वो अभी निपटा लिया है, मतलब सिर्फ सब्जी कट की है, वहाँ से आके बनाएंगे। सो फिलहाल रेडी होते हैं काम के लिए, आई मीन मार्केट जाने के लिए। शॉपिंग करना है हम बैडमिंटन की शॉपिंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 3 नवंबर और मैं जा रही हूँ फिलहाल
बैडमिंटन खेलने। सो कल हम शाम के टाइम बैडमिंटन जो कोच है वहाँ बात करने के लिए गए थे, तो बात हुई, तभी हम इतने लेट आए थे। मतलब मैंने ब्लॉगिंग तो नहीं की बट थोड़ा बहुत दिखाया आप लोग को। एंड अभी मैं जा रही हूँ क्लास, उसके बाद फिर आर्ट सीखने जाऊँगी। सो बैडमिंटन खेलने, मतलब बैडमिंटन खेला है बट कोर्ट में जो कोर्ट में कभी नहीं खेला, क्योंकि जो स्कूल टाइम पे और कॉलेज टाइम पे खेला था उसमें हमारे कॉलेज में था ही नहीं, हम बाहर पे खेलते थे। बस कंपटीशन के लिए जब जाना होता था तब वहाँ पे मौका मिलता था कोर्ट पे खेलने का, बट आज मुझे रियली खेलने का मौका मिलेगा। सो फिलहाल मैं जा रही हूँ क्लास की तरफ, चलते हैं। फिलहाल भटकते भटकते पहुँच चुके हैं हम, पहुँचने वाली हूँ, बट ये थोड़ा सा चलना पड़ता था तो मुझे वो शॉर्ट रास्ते से जाना था, लेकिन उसके के चक्कर में हम भटक चुके हैं रास्ता। फिलहाल पहुँचने वाली हूँ, ये एम चालू है। सुकून मिला आज मेरे को बैडमिंटन खेल के। अभी फिलहाल मुझे आर्ट क्लास जाना है, सुबह तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो गया था मेरा, फिर ही मैं सुबह 8 बजे जाना है, 10 बजे तक वहाँ पे पहुँचना है मेरे को। ओके, वर्क कुछ इतना हुआ है, सो आज इसे देखते हैं और काम पे लग जाते हैं, कितना होता है फिर लास्ट में आपको दिखाऊंगी। मैं फिलहाल घर पहुँच चुकी हूँ एंड जूता रेडी हुई हूँ, वो सिर्फ वीडियो के लिए, और खड़ा के बनाया पेन स्टैंड। कैसा लग रहा है, खूब अच्छा लग रहा होगा। सब्जी बना दी मैंने, बन भी चुकी है, लौकी और आलू की सब्जी बनाई हुआ, और फिलहाल बजे हैं 5। छत में आए हैं घूमने के लिए, नाना जी कर रहे हैं पूजा, वो 1-2 घंटे प्रॉपर डेली सुबह शाम पूजा करते हैं, और मुझे फ्लिप करने का टाइम नहीं मिला, रूम पे कैसे करूँगी, और छत में यहाँ पे आसपास बहुत है तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। फिलहाल कोई नहीं दिख रहा तो जल्दी से फ्लिप की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। आज लंबे टाइम बाद मैंने फ्लिप किया बट मेरी पीठ में अभी भी पेन हो रहा है, और ये मेरे को कंफर्म हो चुका है कि ये सिर्फ योगा से ही हुआ है। मैंने सुबह सुबह एक गलती कर दी होगी कि सुबह कर दे, वरना मैं सुबह कभी नहीं करती, शाम के टाइम पे करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन भर हमारा जो बॉडी होता है वो वार्म अप कर चुका होता है, और सुबह अगर करते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वार्म अप की ज़रूरत होती है, और मैं नहीं करती, मतलब नॉर्मली करती हूँ जो शाम के टाइम पे करती हूँ, तो उसे मैंने गलती कर दी बड़ी वाली, तब से बहुत ज़्यादा पेन है। और यहाँ से दिखने वाला व्यू, रोटी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 5 नवंबर और मैं निकल चुकी हूँ चाउमीन खा के अपने क्लास की ओर। चाउमीन आज कृष्णा ने बनाए, फिलहाल हम जा रहे हैं क्लास, पहले जाएंगे बैडमिंटन उसके बाद अपनी आर्ट क्लास, और अभी बजे हैं 7:30 तो चलते हैं। चलो बैडमिंटन क्लास से अब आर्ट की तरफ जा रही हूँ, अगर ऑटो से जाते तो 30 रुपये लगते, बट हम जा रहे हैं शॉर्ट रास्ते से पैदल, और आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी और मेरे 30 रुपये बच जाएंगे। चुकी हूँ मैं क्लास में, फिलहाल पहुँच चुकी हूँ मैं घर, अब करते हैं भोजन पानी। 1 बजे से सोया इंसान, 2:30 बज गए। फिलहाल मैं आई हूँ छत में कपड़े उठाने के लिए, अभी तक मैं स्केच का काम कर रही थी जो आपको थोड़ा बहुत दिखा है। एप्पल खा रही हूँ, नाना जी ने काट कूट के दिया है, कृष्णा अभी तक कॉलेज से नहीं आए हैं,
और अभी अब मेरे को 4:15 हो चुका है, नाना जी का पूजा पाठ करने का समय हो चुका है और मैं बनाऊंगी सब्जी, बना के रख दूंगी, उसके बाद फिर मैं वर्कआउट करूंगी, फिर छत में आऊंगी। ठीक है, सो सब्जी बना लेते हैं। वर्कआउट कर रही थी बस ना, अभी छत में आई हूँ। सो जो आज की व्लॉगिंग है वो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली व्लॉग पे, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। ये कुछ टाइम मतलब 10 मिनट हुए इसे कॉलेज से आए हुए, बाय बाय। कहाँ भाई?